नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा कॉन्वोल्यूशन. कॉन्वोल्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट, फॉर ईसी एज वेल एज ट्रिपल ई, दोनों ब्रांचेस के लिए. ठीक है, सो कॉन्वोल्यूशन के लिए टू सिग्नल्स आर रिक्वायर्ड. सो सपोज आई एम टेकिंग टू सिग्नल्स X1T एंड X2T. सो सपोज आई एम कॉन्वोल्यूटिंग टू सिग्नल्स. सो ये स्टार मार्क जो है ये कॉन्वोल्यूशन का साइन होता है. ठीक है, दैट मीन्स यू आर कॉन्वोल्यूटिंग टू सिग्नल, वन इज X1 एंड वन इज X2. ठीक है, सो सपोज द कॉन्वोल्यूशन जो निकल के आएगा फंक्शन दैट इज YT. ठीक है, नाउ हाउ कॉन्वोल्यूशन इज डिफाइंड, ये तो लिखने का तरीका हो गया. दिस इज द नोटेशन टू राइट कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू सिग्नल्स. वॉट इज हाउ कॉन्वोल्यूशन इज डिफाइंड, कॉन्वोल्यूशन इज डिफाइंड एज इफ टू सिग्नल्स आर गेटिंग कॉन्वॉल्वड, देन आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करना है. किसका, सपोज आपने X1 को X1 tau लिखा, X1 tau और X1 t सेम है, बस क्या है डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस इज दैट इन दिस द वेरिएबल इज t एंड इन दिस द वेरिएबल इज tau. ठीक है, t बिकेम tau. नाउ X2 को आपको क्या लिखना होगा, शिफ्टेड वर्जन ऑफ X2. शिफ्टेड वर्जन मीन्स X2 t माइनस tau d tau. सो मैंने आपको बताया था इन द अर्लियर लेक्चर्स, आई टोल्ड यू वन थिंग दैट ये जो होता है डी tau, यहाँ tau लिखा है ना, दैट मीन्स tau इज वेरिएबल. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, tau इज वेरिएबल. ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लगता है सबको. ठीक है, सो ये ध्यान से पढ़ना, मैं बहुत ईजिली आपको समझा दूंगा. ठीक है, tau इज वेरिएबल, जो यहाँ होता है ये लिमिट उसके ऊपर होती है, दैट मीन्स tau टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू tau टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी. दैट मीन्स ये जो है ये tau के ऊपर डेफिनेट इंटीग्रल है, बिकॉज यहाँ tau की डेफिनेट वैल्यूज लिखी हुई हैं. सो जब ये इंटीग्रेशन आप कैरी आउट करोगे, सो tau ख़त्म हो जाएगा, बाकी सब बच जाएगा. दैट मीन्स tau ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, t का फंक्शन बचेगा. दैट मीन्स आपको एक t का फंक्शन मिलेगा, जिसे मैं YT बोल रहा हूँ. ठीक है, सो ये चीज़ होती है. सो आपको ये ध्यान रखना है, tau इज वेरिएबल. सो अगर tau वेरिएबल है, दैट मीन्स t इज कंसिडर्ड एज कॉन्स्टेंट. ठीक है, नाउ t को कॉन्स्टेंट इमेजिन करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप शुरू से t को वेरिएबल इमेजिन करते आ रहे हो. दैट मीन्स सब t को आप इस टॉपिक के लिए, सिर्फ इस टॉपिक के लिए अज्यूम करना दैट t इज सम कॉन्स्टेंट a. ठीक है, बिकॉज a को आप कॉन्स्टेंट मान के चलते हो, सो a इमेजिन करके चलना, बिकॉज tau वेरिएबल है यहाँ पे. इमेजिन t एज अ कॉन्स्टेंट a इन दिस टॉपिक. ठीक है, ये tau इज वेरिएबल इन दिस इंटीग्रेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, कंसेप्चुअली दिस इज एवरीथिंग कंसेप्चुअली. इसको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये पता है तो सब कुछ हो गया. सो दैट मीन्स आपके पास X1 सिग्नल है. अब क्योंकि X1 एंड X2 का कॉन्वोल्यूशन एंड X2 एंड X1 का कॉन्वोल्यूशन इज सेम, दैट मीन्स दिस एंड दिस आर सेम. दैट मीन्स आप इस इंटीग्रेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं अपोजिट करके. यहाँ आपने X1 tau लिया, बट मैं यहाँ पे X2 tau ले लेता हूँ एंड X1 t माइनस tau d tau. बोथ द इंटीग्रेशन आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, आप X1 को X1 tau ले सकते हो या X2 को X2 tau ले सकते हो, और दूसरे फंक्शन को शिफ्टेड वाला ले सकते हैं. ठीक है, सो ये आपके ऊपर है. सो ध्यान रखना, ये जो शिफ्टेड वाला होता है ना, जिसको भी आपको शिफ्ट करना होता है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा बाद में. चलो, ये जो शिफ्ट, जिसको शिफ्ट करना होता है, वो सिंपलेस्ट ग्राफ लिया जाता है. ठीक है, सिंपलेस्ट ग्राफ जिस भी सिग्नल का होगा, अगर X1 का सिंपल ग्राफ है तो यहाँ पे ये वाला लेना है. ठीक है, शिफ्टेड वर्जन X1 का लो. अगर X2 सिंपलेस्ट ग्राफ है दोनों में, देन आपको X2 को शिफ्ट करना है. ठीक है, सो सिंपलेस्ट ग्राफ जिसका भी होगा उसको लेना है. अगर X2 का सिंपलेस्ट ग्राफ है तो ये लेना है. ठीक है, नाउ अब मुझे इस चीज़ को क्या करना है, इस चीज़ का पोस्टमार्टम करना है.
पोस्टमार्टम करते हैं. सो दैट मीन्स सबसे पहले आपके पास एक्स टी है एंड यहाँ आपके पास दो सिग्नल है एक्स वन टी एंड एक्स टू टी. तो सबसे पहले आपने वेरिएबल चेंज किया, सो टी बिकेम टाओ. यहाँ भी आपने वेरिएबल चेंज किया, टी बिकेम टाओ. ठीक है, सो ये हो गया आपका एक्स वन टाओ एंड दिस इज एक्स टू टाओ. ठीक है, सो यहाँ उसके बाद सपोज मैं एक इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ. मैं एक इंटीग्रेशन दैट मीन्स फर्स्ट इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग में बताता हूँ. दैट मीन्स आपको x1 टाओ मिल गया. x1 टाओ के बाद कुछ नहीं करना. अब आपको x2 t माइनस टाओ बनाना है. x2 t माइनस टाओ मीन्स माइनस टाओ आ रहा है ना, दैट मीन्स आपको टाओ टेंड्स टू माइनस टाओ करना होगा. ठीक है, आप क्या बना रहे हैं, x2 t माइनस टाओ, दैट मीन्स x2 माइनस ऑफ टाओ माइनस t. ये मैंने ऐसे करके क्यों लिखा, बिकॉज टाओ इज वेरिएबल. ठीक है, t इज नॉट वेरिएबल, t इज अ कॉन्स्टेंट, टाओ इज वेरिएबल. ठीक है, दैट मीन्स आपके पास आ गया x2 माइनस टाओ. ठीक है, दैट मीन्स आपने क्या करा, टाइम रिवर्सल. ठीक है, फिर आपको क्या करना है, शिफ्ट बाय t, शिफ्ट बाय t, वेयर t इज सम कॉन्स्टेंट a. ठीक है, सो t को कॉन्स्टेंट क्यों इमेजिन करना है, बिकॉज tau इज वेरिएबल. ठीक है, नाउ आपने t से शिफ्ट किया, दैट मीन्स x2 माइनस ऑफ tau माइनस t. ठीक है, सो इस तरह से आपको ये क्या है, दिस इज x2 t माइनस tau ही तो है ये. ठीक है, सो दैट मीन्स आपके पास x1 t है, आपने वेरिएबल चेंज किया, तो आपके पास x1 tau आ गया. आपके पास दूसरा फंक्शन है x2 t विच इज सिंपलेस्ट ग्राफ ऑफ द टू. ठीक है, सो x1 t x2 t में सिंपलेस्ट ग्राफ किसका है, x2 का. सो मैं x2 को इस तरह से करूँगा. दैट मीन्स सबसे पहले आपने वेरिएबल को चेंज किया, t से tau हो गया वेरिएबल. फिर आपने टाइम रिवर्सल किया, दैट मीन्स आपने फ्लिप किया. फिर उसके बाद आपने शिफ्ट बाई टी किया, बिकॉज आपको टी माइनस टाओ बनाना है और एक्स टू माइनस ऑफ टाओ माइनस टी बनाना है. इस तरह से क्यों लिखा, बिकॉज टाओ इज वेरिएबल, टी इज अ कॉन्स्टेंट. ठीक है, सो शिफ्टिंग बाई टी वेयर टी इज सम कॉन्स्टेंट ए, दैट मीन्स एक्स टू टाओ माइनस टी. ठीक है, सो इस तरह से लिखना होगा. नाउ अब उसके बाद क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होगा देखते हैं अभी. नाउ ग्राफिकल कॉन्वोल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, और वो क्या है, एक्स ऑफ टी माइनस टाओ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं. ठीक है, सो सपोज एक्स टी इज सम सिग्नल लाइक यू टी. सपोज एक्स टी इज यू टी. ठीक है, तो t इज इक्वल टू जीरो के रेस्पेक्ट में देखो. ठीक है, t इज इक्वल टू जीरो के रेस्पेक्ट में दिस इज प्रेजेंट ओनली वन साइड, एक साइड प्रेजेंट है. t इज इक्वल टू जीरो के रेस्पेक्ट में दिस इज प्रेजेंट ओनली वन साइड. ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव टाइम में ये प्रेजेंट है. ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, दिस इज यू टी. ठीक है, आपको सबसे पहले वेरिएबल चेंज करना है, तो लेट अस चेंज द वेरिएबल यू टाओ. सो ये t को tau कर दिया, तो ये tau एक्सेस हो जाएगा. ठीक है, सो ये tau एक्सेस हो गया, दैट मीन्स ऑल द चेंजेस आर विद रेस्पेक्ट टू tau, tau इज वेरिएबल. ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, u ऑफ माइनस tau, दैट मीन्स आपको फ्लिप करना होगा. सो दिस इज u ऑफ माइनस. सो आप देख रहे हैं, जब यहाँ tau है, दैट मीन्स tau मीन्स प्लस tau. ठीक है, प्लस tau है तो ये पॉजिटिव साइड में है, माइनस tau मीन्स ये नेगेटिव टाइम में चला गया. ठीक है, अब आप इसको शिफ्ट करते हैं. ठीक है, सो अब मैं एक कॉन्स्टेंट लेके बताता हूँ. सबसे पहले u ऑफ वन माइनस tau. ठीक है, सो ये जो जीरो वाला टाइम है ना,
ये जो जीरो वाला है, इस चीज को आपने ग्रीन मार्क कर दिया, ठीक है। सो इसको अपने आंखों पर रखना, ठीक है, इसको जाने नहीं देना कहीं। तो ये यहाँ पे आपने ग्रीन मार्क कर दिया, ठीक है। सो मतलब ये जो यू टाओ था, ये पॉजिटिव में क्यों था? बिकॉज ये प्लस टाओ है, दैट मीन्स ये यू का फंक्शन है, अंदर प्लस टाओ है, दैट मीन्स पॉजिटिव टाइम के लिए प्रेजेंट है स्टेप सिग्नल। ये माइनस टाओ हो गया, दैट मीन्स ये नेगेटिव में चला गया, माइनस टाओ है इसलिए नेगेटिव में चला गया, ठीक है। ये ग्रीन आपने मार्क किया हुआ है। अब मुझे ये बनाना है, मैं बिना देखे बना दूंगा। क्यों? माइनस टाओ मीन्स ये नेगेटिव में प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहा है। माइनस टाओ को देख के ये आप बोल सकते हैं। फिर ये वन है ना, ठीक है। सो इसको कैसे लिख सकते हैं? वन माइनस टाओ इज इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स टाओ इज इक्वल्स टू वन। ये आपका कौन सा मोमेंट है? दिस इज योर ग्रीन वाला मोमेंट। दैट मीन्स ये जो ग्रीन वाला मोमेंट है ये कहाँ पे आएगा? टाओ इज इक्वल्स टू वन पे आएगा, ठीक है। दैट मीन्स लाइक दिस, और क्योंकि माइनस टाओ है, आपको माइनस टाओ दिख रहा है, सो ये इस तरह से ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स कि जो टी इज इक्वल टू जीरो के रेस्पेक्ट में आपने बनाया हुआ था, जो टाओ इज इक्वल टू जीरो के रेस्पेक्ट में आपने नेगेटिव साइड बनाया हुआ था, वो टाओ इज इक्वल टू वन के रेस्पेक्ट में नेगेटिव साइड बनाना है। नेगेटिव साइड क्यों बनाना है? बिकॉज ये माइनस साइन है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब एक और चीज़ मैं बनाता हूँ। द अदर सिग्नल जो आपको बनाना है, ये आपका ग्रीन मोमेंट है जो आप पकड़ के बैठे हैं, ठीक है। नाउ आपको क्या बनाना है? अब यू ऑफ माइनस वन माइनस टाओ, ठीक है। ये कौन सी एक्सिस है? दिस इज टाओ एक्सिस। सो सबसे पहले आपका जो ग्रीन मोमेंट होगा आपको उसको कैच करना है। सो यू माइनस टाओ के रेस्पेक्ट में कैच करोगे, ठीक है। सपोज आप डायरेक्टली यू टाओ से बनाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली यू टाओ से बनाना है। सो आपको बस ग्रीन मोमेंट देखना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। सो ग्रीन मोमेंट कैसे देखना होगा? आप इसको जीरो पुट कर दीजिए, माइनस वन माइनस टाओ इज इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स टाओ इज इक्वल्स टू माइनस वन, दैट मीन्स इस तरह से, ठीक है। सो ये आपका ग्रीन मोमेंट हो गया। इस ग्रीन मोमेंट पे क्या है आपका वैल्यू? वन। और क्योंकि यहाँ माइनस टाओ है, दैट मीन्स वन के रेस्पेक्ट में उधर होगा, ठीक है। इस तरह से आपने बना दिया। सो दिस इज योर यू माइनस वन माइनस टाओ। नाउ सपोज आपको क्या बनाना है? यू ऑफ वन प्लस टी, ठीक है। सपोज ये बनाना है। अब टाओ मैं आपको बस ये टाओ ही ले लेते हैं, चलो अभी टाओ की बात चल रही है। तो वन प्लस टाओ, दैट मीन्स प्लस टाओ मीन्स यू टाओ किस तरह से होता है? इस तरह से। सो ये आपका जो ये मोमेंट है इसको कैच करना है बस। कैसे कैच करेंगे? वन प्लस टाओ इज इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स टाओ इज इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। सो टाओ इज इक्वल्स टू माइनस वन पे इस तरह से ग्रीन मोमेंट होगा, और क्योंकि ये प्लस टाओ है, दैट मीन्स पॉजिटिव टाइम है, इसलिए ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस है ना, दैट मीन्स यू टाओ से यू ऑफ वन प्लस टाओ बनाना है। दैट मीन्स प्लस टाओ से प्लस टाओ ही रहा, ठीक है। दैट मीन्स कोई फ्लिपिंग नहीं हुई, ठीक है, बट शिफ्ट हो गया, ठीक है। सो बस इसको शिफ्ट करना है। तो ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है, टी टाओ इज इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट है, इसको मार्क करना है आपको एज पर द शिफ्टिंग, ठीक है। सो मार्क कैसे करना होगा? ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है, ये यू टाओ है, तो ग्रीन वाला पॉइंट यहाँ पे है। जब आपने शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट करके यू ऑफ वन प्लस टाओ बनाया, सो ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है ये कहाँ पे शिफ्ट होगा? ये देखने के लिए वन प्लस टाओ को जीरो पुट कर दिया। सो टाओ इज इक्वल्स टू माइनस वन पे शिफ्ट हो गया ये पॉइंट आफ्टर द शिफ्टिंग। सो ये हो गया, ठीक है। और ये क्योंकि कोई रिवर्सल नहीं हुआ, बिकॉज टाओ से प्लस टाओ ही रहा, दैट मीन्स ये इसी तरह से ग्राफ जो है माइनस वन के रेस्पेक्ट में ड्रॉ कर देना, ठीक है। अब ये तो ईजी था,
क्यों? बिकॉज ये सिग्नल जो है वो वन साइडेड था, ठीक है, ये वन साइडेड सिग्नल था, इसलिए ये बनाना ईजी था। अब मैं आपको एक और सिग्नल लेके बताता हूँ कैसे बनाएंगे। नाउ एक और चीज़, ये क्या है, यू ऑफ माइनस टाउ, ठीक है। अब ये क्या है, यू ऑफ वन माइनस टाउ, वन क्या है, वन इज़ पॉजिटिव, ठीक है। नाउ वन को मैं, वन नहीं होता, सपोज टी होता और वन, वन इज़ पॉजिटिव, वन की जगह टी होता तो टी ग्रेटर देन ज़ीरो वाला केस होता है, ठीक है। तो ये क्या होता, टी माइनस टाओ वेयर टी इज़ पॉजिटिव वाला केस, और ये क्या हो जाता, दिस इज सम इंस्टेंट टी, ये क्या है, टी इज़ वन, सपोज टी इज़ सम कॉन्स्टेंट वन, मैंने आपको इस तरह से इमेजिन करने के लिए बोला था, ठीक है, क्योंकि टाओ इज़ वेरिएबल। अब सपोज ये जो शिफ्टिंग है ना, बेसिकली u ऑफ t माइनस टाओ मीन्स आपको u माइनस टाओ को शिफ्ट करना है, सो शिफ्ट तो दोनों साइड कर सकते हैं ना, डिपेंडिंग कि ये जो कांस्टेंट है t, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। नाउ अब जब t पॉजिटिव है तो आपने देखा इस साइड शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव में राइट साइड ही शिफ्ट हुआ बिकॉज ये u माइनस टाओ है इसलिए, ठीक है, पॉजिटिव है और राइट में शिफ्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज ये उल्टा बना हुआ है, फ्लिप करके आया है इसलिए। अब ये क्या है, यू ऑफ माइनस वन माइनस टाओ, अगर टी होता, माइनस वन की जगह टी होता, टी इज लेस देन जीरो तो भी ये केस होता ना, सो ये माइनस वन की जगह क्या होता, टी होता, ठीक है। सो ये क्या होता है, यू ऑफ टी माइनस टाओ वेयर टी इज लेस देन जीरो वाला केस, ठीक है। दैट मीन्स यू माइनस टाओ का ग्राफ ये है, ठीक है, यू ऑफ टी माइनस टाओ का ग्राफ, दो पॉसिबिलिटी हैं डिपेंडिंग कि टी पॉजिटिव है या टी नेगेटिव है, ठीक है, टी पॉजिटिव है या टी नेगेटिव है, वो कैसे, वो मैंने आपको बता दिया कि आपको ये जो मोमेंट है इसको पकड़ के रखना है, ठीक है, बस उसके बाद क्या करना है मैं बता रहा हूँ एक बार, कांस्टेंट नहीं, मैं कांस्टेंट के हिसाब से नहीं बताऊंगा, मैं टी के रेस्पेक्ट में बताऊंगा। सो सपोज आपको पहला केस आपका क्या है, यू ऑफ टी माइनस टाओ बनाना है वेयर टी विच इज़ अ कांस्टेंट इज ग्रेटर देन जीरो। सो आपको किस तरह से बनाना होगा, सबसे पहले आपको ये ग्रीन मोमेंट को मार्क करना है, इस ग्रीन मोमेंट को मार्क करने के लिए आप क्या करोगे, t माइनस टाओ को जीरो पुट करा, दैट मीन्स टाओ इज इक्वल टू t वेयर t इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सो टाओ इज इक्वल टू t, t पॉजिटिव है, दैट मीन्स समथिंग हेयर, पॉजिटिव साइड में आपको t मार्क करना है, ठीक है। सो ये आपका ग्रीन मोमेंट होगा, एंड दिस ग्रीन मोमेंट ये माइनस टाओ है, दैट मीन्स माइनस टाओ वाला ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, जो माइनस टाओ वाला ग्राफ जीरो एक्सिस के अबाउट बना हुआ था इस तरह से, वही ग्राफ सेम अब इस एक्सिस के अबाउट बनाना है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे बस एक्सिस जो है वो शिफ्ट हो गई, कहाँ पे, टाओ इज इक्वल टू टी पे। अब सेम ग्राफ इस एक्सिस के अबाउट ड्रॉ करना है, ठीक है, ये आपका यू टी माइनस टाओ होगा फॉर टी ग्रेटर देन पॉजिटिव केस, टी ग्रेटर देन जीरो केस, ठीक है। अब सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस है आपका u ऑफ t माइनस टाओ, शिफ्टिंग दोनों साइड हो सकती है डिपेंडिंग कि t विच इज अ कॉन्स्टेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये टाओ एक्सेस है ना, ठीक है, और दैट मीन्स टाओ इज इक्वल टू t आपका ग्रीन मोमेंट होगा, ठीक है, वेयर t विच इज अ कॉन्स्टेंट इज लेस देन जीरो, ठीक है, जो मैंने पिछले केस में क्या लिया था, माइनस वन लिया था, ठीक है ना, दैट मीन्स टाओ नेगेटिव आपको मार्क करना है, ठीक है। सो दिस इज टाओ इज इक्वल टू टी विच इज सम कॉन्स्टेंट टी लेस देन जीरो, इसलिए नेगेटिव साइड में मार्क किया, सो ये आपका ग्रीन मोमेंट होगा। नाउ यू माइनस टाओ इस एक्सिस के अबाउट उस साइड बना हुआ है, तो माइनस टाओ है तो उस साइड बना हुआ है, तो यहाँ भी तो माइनस टाओ है ना, बट एक्सिस यहाँ शिफ्ट हो गई, सो ये इस एक्सिस के अबाउट उधर बना होगा, ठीक है, सो ये बस इस तरह से बना होगा। सो ये कुछ
ग्राफ्स की ट्रिक्स हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ अब मैंने आपको बोला था कि मैंने यू टी लिया, विच इज़ यू टी लाइक दिस, तो ये टी इज इक्वल टू जीरो के रेस्पेक्ट में वन साइड प्रेजेंट है, वन साइड प्रेजेंट नहीं है। सो अभी तक जो मैंने आपको यू टी माइनस टाउ बताया वो ईजी था समझना, बट अब मैं डिफिकल्ट की तरफ जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल योर ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, सपोज लाइक दिस, ये टी इज इक्वल टू जीरो के रेस्पेक्ट में दोनों साइड प्रेजेंट है। सपोज दिस इज माइनस वन एंड दिस इज प्लस वन, ठीक है। सपोज दिस इज, मैं वेरिएबल चेंज ऑलरेडी कर लेता हूँ, तो मैंने एक्स टी से टाउ कर लिया, सो ये टाउ एक्सेस हो गई अब, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, टी इज इक्वल टू जीरो वाला जो भी मोमेंट है उसको कैच करके रखना है, ठीक है। सो ये एक्स टाउ है, ऊपर प्लस टाउ लिख लिया, ठीक है। तो सपोज मैं इसको माइनस टू ले लेता हूँ, सो दैट फ्लिप करने के बाद कुछ तो डिफरेंस आए ग्राफ में, ठीक है। सो लाइक दिस मैं एक ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको फ्लिप करूँगा ना, सो फ्लिप करूँगा तो ये प्लस वन माइनस वन बन जाएगा एंड ये माइनस टू प्लस टू बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका ग्राफ इस तरह से रहेगा, ठीक है। सो ये आपका ग्रीन मोमेंट है, बट ये आपका क्या है, एक्स माइनस टाउ, ठीक है। नाउ अब भी ये टाउ इज इक्वल टू जीरो के रेस्पेक्ट में है ना, सो ये ग्रीन मोमेंट अब भी यहीं पे रहा, बिकॉज आपने अभी फ्लिप ही किया है ना, तो ग्रीन मोमेंट टाउ इज इक्वल टू जीरो मोमेंट ये जो है ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। सो ये जो ब्लैक वाला है ना इसको आपको देखना है बस, ठीक है। नाउ अब सपोज आपको कुछ कुछ ग्राफ्स बनाने हैं, ठीक है। सपोज आपको बनाना है एक्स एक्स ऑफ वन प्लस टाउ, ये प्लस टाउ है ना, ये प्लस टाउ है, डैट मीन्स आपको इसके रेस्पेक्ट में देखना होगा, ठीक है। प्लस टाउ मीन्स इसके रेस्पेक्ट में देखना होगा। जब भी शिफ्टिंग होती है, शिफ्ट जब होता है ग्राफ कोई भी, ये क्या है, यहाँ x टाउ है, x वन प्लस टाउ है, दैट मीन्स x टाउ एंड x वन प्लस टाउ में क्या डिफरेंस है, इस ग्राफ को शिफ्ट किया होगा इधर या इधर, तब जाके वन प्लस टाउ आया होगा, ठीक है। दैट मीन्स मैं आपको डायरेक्टली बताना एक कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ ना। नाउ ये टाउ इज इक्वल टू जीरो के रेस्पेक्ट में दोनों साइड प्रेजेंट है, डबल साइडेड है, ठीक है। सो आपको देखना है कि ये टाउ इज इक्वल टू जीरो, दैट इज दिस मोमेंट, ये जो मोमेंट है ये कहाँ चला गया, ये मोमेंट कहाँ चला गया शिफ्टिंग के बाद। ग्राफ को शिफ्ट कर रहे हो तो ग्राफ के रेस्पेक्ट में एक्सिस भी तो शिफ्ट हो रही है ना। सो मैं देखना चाहता हूँ कि ग्राफ अगर वहीं है, एक्सिस शिफ्ट हो गई तो क्या होगा, ठीक है। शिफ्ट, ग्राफ को शिफ्ट करना दैट मीन्स रिलेटिवली ग्राफ एंड एक्सिस चेंज हो रहा है ना, ये एक्सिस एंड ग्राफ चेंज कर रहे हैं रिलेटिव अपने पोजिशंस को, तभी तो शिफ्टिंग होती है। सो आपको क्या करना है, आपको ये ग्रीन मोमेंट को कैच करना है, ये प्लस टाउ है तो ये प्लस टाउ से कंपेयर करना है, ठीक है। दैट मीन्स वन प्लस टाउ इज इक्वल्स टू जीरो, सो टाउ इज इक्वल्स टू माइनस वन पे आपका वो ग्रीन मोमेंट चला गया होगा। सो माइनस वन इस साइड आया ना, सो ये ग्रीन मोमेंट यहाँ पे है, ठीक है। सो ये ग्रीन मोमेंट आपने कैच कर लिया, ग्रीन मोमेंट क्या है भाई, आपका प्लस वन है, ठीक है। नाउ ग्रीन मोमेंट के इधर आपको वन जाना है, ठीक है। इस मोमेंट, इस यहाँ से आपको इधर वन जाना है, दैट मीन्स आप जीरो पे आ जाओगे। सो ये आपने इस तरह से मार्क कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये इधर जीरो से टू जाना है नेगेटिव साइड में, सो माइनस वन से इधर टू जाओगे तो कितना पहुँच जाओगे आप, माइनस थ्री, दैट मीन्स योर ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। सो आपने देखा कि ये जो ग्राफ है वो टाउ इज इक्वल टू जीरो के रेस्पेक्ट में है। आफ्टर द शिफ्टिंग ये जो ग्राफ है, ये जो ग्रीन मोमेंट है, ये वाला जो मोमेंट है ये कहाँ चला गया, आफ्टर द शिफ्टिंग दिस ग्रीन मोमेंट ये यहाँ पे आ गया, सो ये यहाँ पे आ गया। सो इस एक्सिस के अबाउट सेम ग्राफ ड्रॉ कर देना, ठीक है। पहले टाउ इज इक्वल टू जीरो के रेस्पेक्ट में था, अब टाउ इज इक्वल टू माइनस वन के रेस्पेक्ट में आपको ड्रॉ कर देना। माइनस वन के रेस्पेक्ट में क्यों, बिकॉज शिफ्ट हुआ है, ठीक है, इसलिए बस। नाउ सपोज आपको ड्रॉ करना है x ऑफ माइनस वन माइनस टाउ,
ठीक है, माइनस वन माइनस टाउ मीन्स आपको कौन सा देखना है, माइनस टाउ वाला ग्राफ देखना है। सो ये माइनस टाउ वाला ग्राफ है, सो दिस इज योर मोमेंट। इस मोमेंट को कैच करना है कि ये शिफ्ट होने के बाद मोमेंट कहाँ चला जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स कि वो ग्रीन मोमेंट कैच करने के लिए यू हैव टू पुट दिस इक्वल टू जीरो, माइनस वन माइनस टाउ इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स टाउ इज इक्वल टू माइनस वन। सो ये जो ग्रीन मोमेंट है ये कहाँ चला गया, माइनस वन पे चला गया, ठीक है। सो माइनस वन पे ग्रीन मोमेंट शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स लाइक दिस। नाउ अब बिल्कुल सेम ग्राफ आपको बनाना है, ये जो सेम ग्राफ है, इस सेम ग्राफ को आपको, ये जो सेम ग्राफ है इसके रेस्पेक्ट में जो बना हुआ है वो सेम आपको उठा के यहाँ पे लेके आना है। सो आप यहाँ देख रहे हो नेट जीरो के रेस्पेक्ट में आपको प्लस टू जाना है, ठीक है। सो माइनस वन के रेस्पेक्ट में आप प्लस टू जाओगे तो ये इस तरह से आप प्लस वन पे आओगे। सो लाइक दिस आपको ड्रॉ करना होगा। फिर उसके बाद आप जब ये जीरो के रेस्पेक्ट में वन यूनिट नेगेटिव में जाना है, दैट मीन्स माइनस वन के रेस्पेक्ट में वन यूनिट उधर जाओगे तो माइनस टू पे पहुंच जाओगे, एंड यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस, ये आपका ग्राफ होगा, ठीक है। सो ये मत सोचना शेप चेंज हो गई, वो ड्रॉ करने में डिफरेंस आ गया बस, ठीक है। सो दिस विल बी योर एक्स माइनस वन माइनस टाउ ग्राफ, ठीक है। सो इस तरह से ड्रॉ करना होता है, ये जो जीरो वाला मोमेंट है इसको कैच कर लो बस, ठीक है। नाउ आप सब कुछ करके देखते हैं कॉन्वोल्यूशन क्या होता है। अब ये क्या है, वन है ना, अगर टी होता तो एक्स टी प्लस टाउ होता, ठीक है, एक्स टी प्लस टाउ होता वेयर टी इज पॉजिटिव। सो यहाँ माइनस वन की जगह मैं क्या लिखता, माइनस वन की जगह मैं टी लिखता, ठीक है। एंड इसको माइनस वन लिखा है, ये जीरो था, दैट मीन्स ये कितना होता, टी प्लस वन टाइप होता, ठीक है। आप इसको भूल जाओ, छोड़ो, ठीक है, ये जो भी टी वाला बताया वो भूल जाओ ना। अब आपका क्वेश्चन आएगा वाई टी इज इक्वल्स टू कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू सिग्नल्स वेयर बोथ द सिग्नल्स आर यू टी। सो ये भी यू टी है, ये भी यू टी है, सो दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ चेंज द वेरिएबल टू टाओ इन टू यू ऑफ टी माइनस टाओ डी टाओ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यू टी यू टाओ ड्रॉ करना होगा। सो यू टाओ आपने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, ये आपका यू टाओ होगा, ठीक है। सो ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद आपको यू ऑफ टी माइनस टाओ बनाना है। नाउ यू ऑफ टी माइनस टाओ जो है वो डिपेंड करेगा कि ये जो कांस्टेंट है टी, टी इज अ कांस्टेंट, मैंने आपको क्या बोला, टी इज अ कांस्टेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन दिस। सो दो केसेस हैं, ठीक है, यू ऑफ टी माइनस टाओ आपको ड्रॉ करना है। फर्स्ट इज टी ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स टी इज पॉजिटिव, ठीक है। सो साथ साथ मैं क्या बना लेता हूँ, सो ये आपका फर्स्ट ग्राफ है, मैं ये रफ में क्या बना लेता हूँ, यू ऑफ माइनस टाओ बना लेता हूँ। क्यों माइनस टाओ क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज ये माइनस टाओ यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। सो यू ऑफ माइनस टाओ इज लाइक दिस, सो ये आपका ग्रीन मोमेंट होगा, ठीक है। इस क्रूशियल मोमेंट को आपको मार्क करके रखना है, इसको कहीं जाने नहीं देना, ठीक है। नाउ u of t माइनस टाउ मीन्स शिफ्टिंग, आफ्टर द शिफ्टिंग वो ये जो मोमेंट है ये कहाँ चला जाएगा ये आपको देखना है। सो फॉर t ग्रेटर देन जीरो आपको देखना है, सो फॉर t ग्रेटर देन जीरो आपको क्या करना होगा, t माइनस टाउ इज इक्वल टू जीरो, वो ग्रीन मोमेंट आपको मार्क करना है, दैट मीन्स टाउ इज इक्वल टू t, वेयर t इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स पॉजिटिव में चला गया। पॉजिटिव में चला गया मीन्स u of t माइनस टाउ आप बना रहे हो, ठीक है, u ऑफ t माइनस टाओ आप बना रहे हो अकॉर्डिंग टू t टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। सो ये इस तरह से, क्योंकि t पॉजिटिव है दैट मीन्स ये जो ग्रीन मोमेंट है यहाँ पे आ गया, एंड माइनस टाओ मीन्स ये नेगेटिव में, इस तरह से आपको बना देना है, ठीक है। ये जो ग्राफ tau इज इक्वल टू जीरो के रेस्पेक्ट में बना हुआ था वो आप tau इज इक्वल टू इसके रेस्पेक्ट में बनाना है, वेयर tau इज इक्वल टू t, ठीक है। सो डिपेंडिंग की टी पॉजिटिव है, दिस इज द ग्राफ,
ठीक है, दिस इज़ योर ग्रीन मोमेंट। अब डिपेंडिंग कि टी जो आपका एक कांस्टेंट है दैट इज़ लेस देन ज़ीरो, आपका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, फिर से टाउ इज इक्वल्स टू टी पे आपका ग्रीन मोमेंट चला जाएगा वेयर टी इज़ लेस देन ज़ीरो। टी इज़ लेस देन ज़ीरो मीन्स नेगेटिव में आपका चला जाएगा ये ग्रीन मोमेंट। सो ये जो ग्रीन मोमेंट के रेस्पेक्ट में आपको बनाना होगा, ठीक है, द सेम ग्राफ इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सेस लाइक दिस, ठीक है। नाउ सो द सेकेंड सिग्नल विच इज यू ऑफ टी माइनस टाओ हैज टू ग्राफ्स डिपेंडिंग इफ टी इज पॉजिटिव एंड टी इज नेगेटिव, ठीक है। नाउ द टू सिग्नल्स गेटिंग मल्टीप्लाइड, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। इस सिग्नल को ड्रॉ कर दिया, फिर इसको ड्रॉ किया, ये जो सिग्नल है दिस हैज टू ग्राफ्स डिपेंडिंग इफ टी इज पॉजिटिव एंड टी इज नेगेटिव, फिर इन दोनों सिग्नल्स का प्रोडक्ट हो रहा है, ये क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। सो प्रोडक्ट आपको करना है, सो दिस हैज टू ग्राफ्स दैट मीन्स टू मल्टीप्लीकेशंस आर पॉसिबल, आप इसे और इसे मल्टीप्लाई करोगे सो आपको कुछ कॉमन मिलेगा, वो क्या है, ये पार्ट कॉमन होगा, जीरो से टी तक कॉमन है, ये नेगेटिव में प्रेजेंट नहीं है, नेगेटिव में जीरो है और ये नेगेटिव में प्रेजेंट है, सो मल्टीप्लाई होगा सो ये नेगेटिव में तो जीरो हो जाएगा ना, दैट मीन्स बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ दैट जीरो से टी इसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है, जीरो से टी इसमें भी प्रेजेंट है एंड जीरो से टी इसमें भी प्रेजेंट है, सो सम ग्राफ इज कॉमन, सम ड्यूरेशन इज कॉमन, ग्राफ कॉमन है ये कोई बात नहीं हुई, सम ड्यूरेशन इज कॉमन बिटवीन द टू ग्राफ्स दैट मीन्स मल्टीप्लाई होके कुछ रिजल्ट आएगा, बट ये पॉजिटिव में प्रेजेंट है ग्राफ, ये नेगेटिव में प्रेजेंट है, दैट मीन्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे आपको क्या मिलेगा, जीरो ग्राफ मिलेगा, क्यों, ये पॉजिटिव में प्रेजेंट है ये नेगेटिव में प्रेजेंट है तो मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा ग्राफ, ठीक है, सो दैट मीन्स इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, दैट मीन्स वाई टी इज इक्वल्स टू यू टी कॉन्वोल्यूशन यू टी विल गिव यू सम रिजल्ट ओनली फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, और ये ऑब्वियस है बिकॉज टी ग्रेटर देन जीरो के लिए ही दोनों फंक्शंस प्रेजेंट है, दोनों यूटी फंक्शन है ना, यूटी इज वन फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, यूटी इज वन फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, दोनों फाइनाइट वैल्यू कब है, जब टाइम पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टाइम के लिए ही कुछ डेफिनेट रिजल्ट आएगा, ठीक है, टी लेस देन जीरो के लिए ये भी जीरो है ये भी जीरो है, जीरो जीरो का कॉन्वोल्यूशन जीरो रिजल्ट, ठीक है। नाउ अब आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ एंड आपको सेकेंड ग्राफ अब बनाना है इसी के नीचे, सो लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, सो ये जीरो से ये क्या है, दिस इज सेकेंड ग्राफ यू ऑफ टी माइनस टाओ वेयर टी इज पॉजिटिव, ये आपका टी है, ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वन इंटू वन गेटिंग मल्टीप्लाइड इन द कॉमन ड्यूरेशन, दोनों में कॉमन ड्यूरेशन क्या है, जीरो से टी एंड जीरो से टी, ठीक है, सो कॉमन ड्यूरेशन में वन इंटू वन करोगे तो वन आएगा ना, सो आपको एक ग्राफ मिलेगा जीरो से टी प्रेजेंट लाइक दिस वन, ठीक है, दिस इज यू ऑफ टाओ, दोनों का मल्टीप्लाई कराना, यू टाओ एंड यू ऑफ टी माइनस टाओ, ठीक है। नाउ इस चीज का इंटीग्रेशन करना है, इस चीज का इंटीग्रेशन करना है ना, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाओ, विद रेस्पेक्ट टू टाओ मीन्स ये टाओ एक्सिस ही तो है, तो इस चीज का इंटीग्रेशन करना है मीन्स ये आपको एरिया निकालना है। नाउ व्हाट इज दिस एरिया, दिस एरिया इज टी इंटू वन दैट मीन्स टी, ठीक है, फॉर टी ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो फॉर टी लेस देन जीरो, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, इसका इंटीग्रेशन कितना आया, दैट मीन्स वाई टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू डी टाओ, ठीक है, सो आपका इंटीग्रेशन कितना आया टी, और कौन से केस के लिए कॉमन आया ग्राफ, टी ग्रेटर देन जीरो, एंड कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट कितना है जीरो, अगर टी लेस देन जीरो वाला केस है, दैट मीन्स यू कैन
write this as rt. That means ut convolution with ut is equals to rt. ठीक है. सो ये आपको याद रखना है, वेयर आर टी इज इक्वल्स टू टी यू टी होता है ना, आर टी. ठीक है. सो ये आपका फॉर्मूला भी है, यू टी कॉन्वोल्यूशन विद यू टी इज इक्वल्स टू रैम्प. ठीक है. नाउ इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर से शुरुआत करूँगा. ठीक है. तो जो भी थ्योरेटिकल था वो मैंने आपको बता दिया. इसके बाद फॉर्मूलाज आएंगे, बट सबसे पहले मैं ग्राफिकल कॉन्वोल्यूशन से रिलेटेड जो भी है वो मैं सॉल्व करूँगा. ग्राफिकल कॉन्वोल्यूशन कब करना होता है? फॉर एग्जांपल अभी आपने क्या देखा, वाई टी इज इक्वल्स टू यू टी कॉन्वोल्यूशन यू टी. ठीक है. तो यहाँ आपको फंक्शन पता है, ठीक है, दोनों फंक्शन एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखे हैं. फिर आपने ग्राफ बनाया, ठीक है, दोनों का ग्राफ बनाया, दोनों का कॉन्वोल्यूशन करा. दैट मीन्स ग्राफिकल कॉन्वोल्यूशन नहीं करने की ज़रूरत थी. क्यों? बिकॉज आपको फंक्शन का एक्सप्रेशन पता था. ठीक है. जो भी फंक्शन है उसका एक्सप्रेशन पता है ना. फिर आप ग्राफ्स में चले गए और फिर आपने ग्राफिकली कॉन्वॉल्व करा. ठीक है. बट यहाँ रिक्वायर्ड नहीं था. ग्राफिकल कॉन्वोल्यूशन कब करना होता है? जब आपके जो दो सिग्नल हैं, फॉर एग्जांपल एक्सटी आपको दिया हुआ है, देयर इज सम ग्राफ एक्सटी लाइक दिस. ठीक है. फिर आपको एक्सटू ग्राफ समथिंग लाइक दिस दे दिया उसने, ठीक है, और बोला कि भैया x1t इज दिस, x2t इज दिस, दोनों के ग्राफ्स दिए हुए हैं एंड फाइंड द कॉन्वोल्यूशन. तो अब आपको ग्राफिकल कॉन्वोल्यूशन करना होगा बिकॉज इसका आपको एक्सप्रेशन नहीं पता, इसका भी आपको एक्सप्रेशन नहीं पता, ग्राफ पता है. ठीक है. सो इफ पॉसिबल ग्राफिकली तो ग्राफिकली करेंगे, अदरवाइज हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे एंड दोनों एक्सप्रेशन को लिख के कॉन्वोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज. ठीक है. सो ग्राफ है तो ग्राफिकल कॉन्वोल्यूशन करना होता है, और ग्राफिकल कॉन्वोल्यूशन डिफिकल्ट हो देन आपको ग्राफ से एक्सप्रेशन लिख के कॉन्वोल्यूशन करना होता है अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट फॉर्मूलाज. ठीक है.